हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं SSR के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। फ्रेंड्स, इसका मॉडल नंबर है SSR 10DA। फ्रेंड्स, ये DC to AC SSR है, सॉलिड स्टेट रिले है। फ्रेंड्स, इसका मॉड्यूल है 3-32 VDC। इसका जो इनपुट वोल्टेज है ये 3 वोल्ट से 32 वोल्ट के बीच में VDC वोल्टेज है DC, और इसका आउटपुट वोल्टेज जो इसको आप कंट्रोल करेंगे ये 24-380 वोल्ट AC है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप जो इनपुट सप्लाई देंगे 3 से 32 वोल्ट के बीच में DC वोल्टेज देंगे, और जो आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको आप 24 वोल्ट से 380 वोल्ट AC को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग कंट्रोल वोल्टेज 3 से 32 वोल्ट DC है, और ऑपरेटिंग लोड वोल्टेज इसका है AC है, जो कि 24 वोल्ट से 380 वोल्ट है। इसका रेटेड लोड करंट कैपेसिटी 10 एम्पियर है। फ्रेंड्स SSR यूज़ होते हैं हाई करंट AC लोड को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम लोअर DC कंट्रोल वोल्टेज द्वारा। फ्रेंड्स, इसके जो नॉर्मल रिले होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। इसमें उसके बनिस्बत बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि मैं कुछ एडवांटेज इसके गिना देता हूँ जो कि SSR में होते हैं और जो नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है उसमें नहीं होते हैं। ये लोअर वोल्टेज और लोअर करंट द्वारा ऑपरेट हो जाते हैं। जो हमारे नॉर्मल रिले होते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, उसमें करंट भी ज़्यादा यूज़ होती है और वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। ये लोअर वोल्टेज और लोअर करंट द्वारा ऑपरेट हो जाते हैं। इस रिले में कोई तरह का मूविंग कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, इसमें कोई नॉइस नहीं होती है, इसमें इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये कम्पैक्ट होते हैं। तो मैं पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये मात्र फ्रेंड्स ये 350 से 400 रुपये के बीच में मिलता है। इसके कई मॉडल आते हैं, अभी मैंने एक ही अभी इसको बाई किया है। इसका अगले वीडियो में इसके आपको कंट्रोल सर्किट इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा किस तरह से ये कंट्रोल काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी चीप एंड बेस्ट है, देख सकते हैं आप। ये हमारा ये देखिए आउटपुट, ये जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ लिखा है 3 से 32 वोल्ट DC। यहाँ पर आप यहाँ पर प्लस, जैसे DC देंगे तो प्लस DC में प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पर DC का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और ये यहाँ पर DC का माइनस टर्मिनल लगाएंगे। यहाँ प्लस टर्मिनल लगाना है या माइनस लगाना है। इसमें आप कोई भी कंट्रोल वोल्टेज दे सकते हैं, किसी भी सेंसर द्वारा इसको आप ऑपरेट करा सकते हैं 3 से 32 वोल्ट DC। और जो आपका लोड रहेगा वो आपका लोड AC रहेगा, वो 24 वोल्ट से 380 वोल्ट के बीच में कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ AC लगाएंगे, चूँकि इसमें पोलरिटी नहीं होती तो आप यहाँ पर किसी भी को कंट्रोल यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इन दो टर्मिनल पर आप AC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मैं अगला सर्किट दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके बाकी वायरिंग डायग्राम द्वारा बताऊंगा। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल आप यहाँ पर किसी स्विच द्वारा भी आप सप्लाई देके या कनेक्टर द्वारा सप्लाई देके इसको ऑपरेट करा सकते हैं, यहाँ पर आप लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप किसी सेंसर को कनेक्ट कर देंगे जो कि DC वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो उस सेंसर द्वारा आप अपने आउटपुट लेके लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इसका वायरिंग डायग्राम होगा। इसकी बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से बाई कर सकते हैं।